ये हो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी थग्स ऑफ हिंदुस्तान के। आज मैं रिव्यूज बताऊंगा चाइना के और साथ ही आपको बताऊंगा कि फर्स्ट डे का अभी फिलहाल 9 बजे यानी कि 11:30 बजे चाइना में हो रहा है टाइम अभी, उसका कलेक्शन क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहेगा इस वीडियो को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले चलिए आपको कलेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं रिव्यूज पे थोड़ा जाता हूँ। अगर आपको देख रहे हैं तो पूरा ध्यान से देखिए वीडियो ताकि आपको काफी कुछ समझ में आ सके। यहाँ पे बात करें, मैं ngroup.cn जल्द से जल्द खोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने खोल दिया है सुबह अभी इंडिया में 9 बजे, वहाँ पर 11:30 बजे 0.51 मिलियन US डॉलर ने कमाई की है। शोज बहुत ही कम है, 26,000 1 लाख के ऊपर एडमिशन अभी हुए हैं और यहाँ पे 4.84 एवरेज इसका टिकट प्राइस है। एक टिकट प्राइस का दाम इतना है $4.84। और चलिए, और फर्स्ट नंबर पर फिल्म है यानी कि इसने एक्वामैन को अभी तक सुबह के हिसाब से पीछे रखा है। शोज इसके देखिए कितने हैं और इसके शोज देखिए कितने हैं, उस हिसाब से थग्स ऑफ हिंदुस्तान क्लियर विनर नजर आ रही फर्स्ट नंबर पर। मुझे ऐसा लग रहा है पहला दिन इसका खत्म होते थे फर्स्ट नंबर पर ही रहेगी, लेकिन अब चलिए एक और फिल्म जो तेजी से आगे बढ़ी किल मोबाइल, लेट्स सी उसके पास भी थग्स ऑफ हिंदुस्तान ज्यादा शोज है, लेट्स सी हाउ द डे गोज ऑन। लेकिन हाँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों नंबर के बीच में ही रहेगी। अब चलिए मेन चीज की बात करते हैं, कलेक्शन कितना हुआ है। ये 0.51 मिलियन डॉलर ये कलेक्शन हुआ है 3.57 करोड़ यानी 3.57 करोड़ 3.57 करोड़ इज द कलेक्शन टिल नाउ। एंड राइट नाउ आई विल टेक यू टूवर्ड्स व्हाट यू से रिव्यूज थग्स ऑफ हिंदुस्तान के। आपको ये तो मैंने बता दिया था कि 2 घंटा 1 मिनट की फिल्म है वहां पर रिलीज जो हुई है, और इंडिया में फिल्म 2 घंटा 45 मिनट की थी यानी कि 44 मिनट्स चॉप्ड अप यानी 44 मिनट को कम किया गया है। लेट्स सी द रिव्यू। सी गोल्ड चिल का चाइल्ड के लिए 4 स्टार दिए, द इंडियन वर्जन ऑफ द पायरेट्स ऑफ कैरियम बट हंग हंशु दैट इज आई थिंक उसकी इनके बाद के आमिर खान का नाम वहाँ पे इसी तरह से बोला जाता है। एक्टिंग एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कैन किल 80% ऑफ द डोमेस्टिक चाइनीज न्यू ईयर, द विजुअल बॉक्स ऑफिस कैन बी सीन एज हाई एज 150 मिलियन यानी कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कमा सकती है। दिस इज वॉट द रिव्यूअर्स से इनके इनको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले सी गोल्ड चाइल्ड को, और मेरे ख्याल से कार्ड के बहुत अच्छा किया। डीजे जिन जुआन ये वेरीफाइड अकाउंट है, इनका कहना है थैंक्स टू द आई शेडोइंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द कैट आई शेडो फैन ब्रांच आई कैन फील द पैशन ऑफ अमेरिका सॉरी आमिर खान इन द मूवी इन एडवांस, द स्क्रीन इज वेल मेड, द कैरेक्टर्स आर फुल ऑफ जॉय एंड द प्लॉट इज ऑल्सो अप्स एंड डाउन्स मेकिंग पीपल अनप्रेडिक्टेबल, द जॉइंट स्क्रीन लुक्स कू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ थिएटर टू सी। यानी तारीफ कर रहे इस डीजे जी जुआन, और मेरे ख्याल से 2 घंटे का जो एडिट किया गया मेरे ख्याल सबसे बेस्ट है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अब धमाल कर सकती है। मुझे ज़्यादा पर्सनली इन्होंने 5 स्टार दिया है। सीन का कहना है कि अच्छा नाम है पहले तो, और स्माइल भी अच्छी इनकी। चलिए हाँ, इट मस्ट बी गुड लुकिंग व्हेन आमिर खान लेट अस डाउन, आमिर खान वर्क्स आर ऑल क्वालिटी वर्क्स, इट मस्ट बी गुड लुकिंग व्हेन आमिर खान लेट अस डाउन, आमिर खान वर्क आर क्वालिटी वर्क्स एंड आर एजुकेशन। मतलब आमिर खान के जो काम होते हैं बहुत ही क्वालिटी वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, और वो बहुत एजुकेशनल वाले होते हैं, चाहे वो दंगल हो चाहे सिक्के सुपरस्टार हो। देर आर टीयर्स इन द लाफ्टर एंड देर इज ऑलवेज डीप थॉट आफ्टर द व्यू, बिग लव आमिर खान सपोर्ट्स हिम, द लव गुड लव ऑफ पीपल हु लव चैरिटी इज वर्थी ऑफ एडमिशन। तारीफ करते दिन नहीं तक रे सीन। सेंगजी सेंटिनियल लियू मिंग्यू, इनको मैंने कभी प्रपोज ही नहीं कर पाऊंगा अगर ये लड़की है तो। ठीक है, एमी मूवी इज गुड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैरेक्टर्स विविड, यानी कि मूवी अच्छी है और परफॉर्मेंस जो कैरेक्टर्स के हैं वो बहुत ही विविड है। मैंने आपको जब मैंने रिव्यू दिया तभी भी यही कहा था कि परफॉर्मेंस लोगों के अच्छे हैं। जीनो कह रहे हैं कि 4.5 स्टार दिए इन्होंने, तो फाइटिंग सीन्स वेरी इंटेंस, फाइटिंग सीन बहुत कमाल के, अनलाइक द प्रीवियस बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड डांस, यानी बाकी जो अभी तक इन्होंने सॉन्ग एंड डांस वाली फिल्म देखी थी बॉलीवुड की उसके हिसाब से बहुत ही हटके है एंड दैट्स गुड। ब्रूस चैन 3 दिन पहले इन्होंने कहा है 2 स्टार दिए, इट्स हार्ड टू से वर्ड, यानी इनको सही नहीं लगा है ब्रूस चैन को, इनका नाम नहीं पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आई नो दैट इट इज़ यू हैव सॉरी, माफ़ करना आप अगर देखोगे तो माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम नहीं पढ़ा मैंने, नहीं समझ में आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ। आई नो दैट इज़ यू हैव लेस स्क्रीनिंग्स, यू मस्ट हैव अ बिग स्क्रीन ओवरऑल, इट्स गुड बट देर इज ऑलवेज ए सीन ऑफ वॉयलेंस सीन इन विच द फोक रेजिस्ट द जैपनीज मटेरियल आर्ट एंड कस्टम ड्रामास फॉर द इंडियन फिल्म। आई वुड लाइक टू प्रेज द इंडियन फिल्म दैट कम्स आउट एवरी टाइम सपोर्ट्स इट्स ऑलवेज, यानी कि इन्हें फिल्म अच्छी लगी है और इन्हें बहुत ही अलग तरह की फिल्म लगी, थोड़ी वॉयलेंट लगी है और लेकिन ठीक है, कोई बुरा नहीं लगा। उन्होंने 5 स्टार दिया इस फिल्म को। मंकी है जिन्होंने अच्छा डोरेमोन का लगाया फोटो, इनका कहना है द साउंड ट्रैक पिक्चर इज गुड, साउंड ट्रैक फिल्म का अच्छा है, अजय तुल का म्यूजिक सही बात है, द प्लॉट इज बिट आउट ऑफ टच, यानी प्लॉट जो है फिल्म का वो थोड़ा सा आउट ऑफ टच है, मतलब जो उम्मीद थी शायद उससे थोड़ा कम ज्यादा है। ऑल दो इट्स ए बिट हिस्टोरिकल बट इट इज टू पर्सनल हीरोइज्म, इट्स ए नेशनल ईयर्स फिल्म, इट्स नो प्रॉब्लम, यानी कि एक अच्छा है, मतलब थोड़े से कमी ज़्यादा है ठीक है, मतलब एक हिस्टोरिकल फिल्म भी है ठीक है, मतलब 4 स्टार दिए, इट्स गुड। मंकी का रिव्यू मैं
सही मान रहा हूँ। यहाँ पे 3.5 स्टार दिए ग्रीन सनफ्लावर फ्लावर ने और नाम बहुत अच्छे हैं इनका। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफुल ग्रीटिंग्स टू ईगर ऑडियंस दैट इज नो एग इन द एंड ऑफ द फिल्म द इंडियन वर्जन ऑफ द टीयर्स ऑफ डेविल्स टाइप ऑफ फिल्म द रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू फीमेल स्टार्स इज ऑल्सो वेरी क्लियर वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्यूटीफुल डांस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैंडसम एनिमी। सही बात है। आमिर खान इंटरप्ट्स व्हाट इज कॉल्ड ए हैंडसम एंड ऑकवर्ड एंड द मेन कैरेक्टर एलिमिनेट्स द विक्ट्री विदाउट सस्पेंस द फर्स्ट एंड म्यूजिक एट द बिगनिंग ऑफ द शो वर वेरी एक्साइटिंग स्पेशली द प्रिंसेस हु वर आखिरी वाज सो गुड। आमिर खान फर्स्ट appearance of scene of the girl scream but I saw that in the middle of the game he and Azad father fell in love and I felt a little dragged and a little sleepy I guess the ending yani ki ending logo ko utna mazedar nahi lagi hai ye inka kehna hai। I agree buddy ग्रीन फ्लावर सनफ्लावर मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बातों से। एंडिंग में थोड़ा सा खराब किया मैंने कहा ना फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा सा लैग कर गया अदरवाइज फिल्म धमाल थी। एनीवेज इनको अच्छा लगा है और इन्होंने कहा है कि आमिर खान का जो फर्स्ट अपीयरेंस आता है तो लड़कियाँ चिल्लाने लगी थी चाइना में मीशू आई थिंक ऐसा करती होंगी है ना। लास्ट में इनका भी नाम मैं नहीं पढ़ सकता कोल्ड वर्ड में है। डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल टू ओवरवेम द ब्रिटिश मेन लाइन but that was because it's a theme not good Mishu played a role is also a problem so word of mouth will hit the street but a lot of reversal when watching I have been thinking about it generally I don't recommend it to see but I don't object to see it यानी कि मैं बहुत ज़्यादा recommend नहीं करूँगा लोगों की फिल्म देखे लेकिन हाँ मैं ये भी कहूँगा कि यार लोग एटलीस्ट मतलब इतनी बुरी भी नहीं फिल्म ही मीन टू से इतनी बुरी भी नहीं फिल्म आप देख सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं करूँगा। दिस वट ही मीन टू से 3.5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार यानी कि 4.5 स्टार यानी कि जो रिव्यूज़ का एवरेज है मेरे ख्याल से इट्स अराउंड 4 स्टार एंड लेट्स ही सी हाउ चाइनीज ऑडियंस टेक्स दिस फिल्म बिकॉज दिस फिल्म विल शो कि आमिर खान का स्टारडम कितना चलता है चाइना में या फिर ये फिल्म ये बताएगी कि जनता स्टारडम को कुछ नहीं समझती फिल्म अच्छी तो ही देखेगी। ये फिल्म कहीं ना कहीं प्रूफ होगी उस चीज़ का क्योंकि अभी तक क्या हुआ है बहुत अच्छी अच्छी फिल्में ही चाइना में चली है। लेट्स सी हाउ थग्स ऑफ हिंदुस्तान वर्क्स आउट होप फॉर द बेस्ट फॉर थग्स ऑफ हिंदुस्तान। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय।